यहाँ अमेठी यूनिवर्सिटी की कैंपस कैंपस पे जो है ना अलग अलग एलिजिबिलिटी गांव में कुछ और होता है तो रांची में कुछ और होता है तो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी मैं भाई आज का ब्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है सो प्लीज बने रहना इस वीडियो पे और ये वीडियो को जरूर शेयर करना लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और अपने दोस्त यार फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना ताकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो उस तक जरूर पहुंच जाए। तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड कैसे हो आप लोग आई गेस फर्स्ट क्लास हो गए। तो चलो उस लोकेशन पे पहले पहुंच जाए और जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है मैं आपको शेयर करूंगा सो लेट्स गो गाइज। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यू हाई कोर्ट है, यहाँ से जो लोकेशन पे मैं ले जा रहा हूँ वो यहाँ से सीधे जाता है और 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे विधानसभा है और ये वाली रास्ता से ही आना पड़ेगा आपको और सीधे नैसराय की ओर बढ़ना पड़ेगा उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए। तो चलो मैं उस लोकेशन तक पहुंचता हूं फिर आगे मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। ये वाली जो रेलवे क्रॉसिंग लाइन जो आपको दिख रहा है ये नैसराय की रेलवे क्रॉसिंग लाइन है, इससे थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है और राइट की ओर लेना है। राइट एंटर करके मैं इस रोड पे एंटर ले चुका हूँ और वो जो आगे आपको दिख रही है वही न्यू अमेठी यूनिवर्सिटी है जो कि आपको मैं आगे पूरा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। और गाइज ये यूनिवर्सिटी अमेठी यूनिवर्सिटी फाइनली मैं पहुँच गया हूँ जो कि आपको आगे दिख ही रही है। चलो मैं पहले करीब जाके उसके बाद मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ आगे जैसी भी है। और यहाँ की सड़क ठीक से बना नहीं है और फाइनली आपको आगे दिख ही रहा होगा यूनिवर्सिटी जो कि अमेठी यूनिवर्सिटी। ऑलरेडी मैं पहुँच चुका हूँ और मैं अभी एंटर लूँगा और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो वीडियो में बने रहना गाइस, बिल्कुल भी स्किप मत करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर तो एकदम करना ही करना। चलो मैं पहले अंदर जाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ हमारे रांची के न्यू अमेठी यूनिवर्सिटी पे जो कि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये अमेठी यूनिवर्सिटी जो है ना गुड़गांव पे और नोएडा सेक्टर रांची और बहुत सारे सिटीज़ में है जो कि ये न्यू अमेठी यूनिवर्सिटी और ये अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन मोड पे है जो कि आपको दिख रहा है ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रही है। गाइज यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ क्योंकि अगर आप MBA वगैरह भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे CMAT, GMAT और बहुत सारी एग्ज़ाम्स वगैरह होती है जो कि आपको क्रैक करना पड़ेगा और इंटरनल एग्ज़ाम से भी माइट भी एडमिशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं उसके थ्रू भी आपको एडमिशन मिल जाएगी। और अंडर ग्रेजुएट जैसे BCOM, PSC और भी जितने भी होते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वगैरह उस पर जो है ना आपको पर्सनली इंटरव्यू से भी आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरिट बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है जो कि एडमिशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जहाँ तक मेरिट की बात की जाए तो आपको कम से कम मिनिमम 50-60% होनी चाहिए जो कि यहाँ पे एडमिशन आपको 100% मिल जाएगी। और गाइज हर कैंपस पे जो है ना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जो कि नोएडा पे कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, गुड़गांव में कुछ और होता है तो रांची में कुछ और होता है। तो आप लोग जो है ना मेनली इसके जो मेन साइट होते हैं वहाँ पे आप लोग एक बार विजिट कर लेंगे और वहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। अमेठी यूनिवर्सिटी जो है ना इतना फेमस है, जैसे हिमांशु कोहली, कृतिका सिंगर सब यहीं से उनका एडुकेशन हुआ है जो कि अभी वो अच्छे पर्सनैलिटी के एंड पे जाना जाता है। यहाँ की कोर्सेज के बारे में बात की जाए तो ह्यूमैनिटीज़ जैसे और आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट हो गई और ये सब जितने भी कोर्सेज वगैरह है सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। फिलहाल अभी जो है ना यहाँ पे परमिशन अलाउड नहीं है जो कि मैं कैंपस टूर भी करवाने का कोशिश करता हूँ और इफ़ नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट ब्लॉग पे मैं श्योर कैंपस टूर और जितने भी यहाँ के क्लासेस और कैफेटेरिया जितने भी है मैं ऑल टोटल चीज़ मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो बने रहना इस चैनल पे और आगे की मैं थोड़ा सा व्यू दिखाने का कोशिश करूँगा। ये रहा हमारे कितना बड़ा है, पीछे से भी दूर दूर तक पूरा फैला हुआ है और बहुत ही अच्छा खासा है। ये देखो अमेठी यूनिवर्सिटी का खुद का ट्रांसफार्मर इतना बड़ा है, वहाँ देखो
सब इलेक्ट्रीशियन लगे हुए हैं, बहुत दूर तक फैला हुआ गाइस, उस साइड से कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ। ऐसा कैंपस भी जो है ना, बहुत ही बड़ा कैंपस है, जो कि ये ऑलरेडी कैंपस के नाम से ही जाना जाता है। चलो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। और गाइस ये जो मशीन आपको दिख रही है ना, ऊपर से भी दिख जाएगा, ये कूलिंग मशीन है। ये देखो गाइस, ये हॉस्टल है और इस साइड भी हॉस्टल बन रहा है, जो कि टोटल अभी कंस्ट्रक्शन मोड पे ही है, जो कि बहुत ही बड़ा है गाइस। आपको ये दिख रहा है, पूरा हॉस्टल है, वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी हॉस्टल है। एंट्रेंस उस साइड से है और ये जो व्यू आपको दिख रहा है, ये जस्ट बैक की व्यू है। सो देख सकते हो सब अभी कंस्ट्रक्शन मोड पे है। ये रहा अमेठी यूनिवर्सिटी की कैंपस, जो कि इतना ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉल वगैरह भी लग गया है। और उसके बाद जब आप उस साइड देखेंगे तो वहाँ पे विधानसभा की, वहाँ पे विधानसभा दिख रहा है। और वो रहा जेसी स्टेडियम, भी यहाँ पे विजिबल है बिल्कुल। और आपको जो है ना, ये वाले रास्ते से आना पड़ेगा, वहाँ पे नैसराय का एक रेलवे क्रॉसिंग लाइन है, वहाँ से जस्ट थोड़ा सा आप ऊपर चढ़ेंगे और राइट लेना है आपको, और उस साइड से ये वाली रास्ता को आपको पकड़ के यहाँ पे आपको पहुँच जाना है। और अपना फ्यूचर यहीं से आपको बिल्ड करना है, जो कि बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, रांची की पहला यूनिवर्सिटी है, जो कि इतना बड़ा यहाँ पे कैंपस है, जो कि आपको दिख ही रहा है। और क्लासेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। चलो अभी फ़िलहाल यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, कुछ खा लेते हैं, भूख भी लगा हुआ है। और कितना प्यारा दिख रहा है गाइस, अमेठी यूनिवर्सिटी बहुत दूर तक फैला हुआ है, एकदम पीछे तक। वो वाला जो दिख रहा है आपको, वो हॉस्टल है, क्योंकि तो आपको ऑलरेडी पता है, बता दिया हूँ मैं। इसका साइड लुक आपको ये दिख रहा है, सर अभी कंस्ट्रक्शन मोड पे है, जल्द पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिस हिसाब से यहाँ पे तेज़ी से काम किया जा रहा है। ये रहा इसका बैक व्यू, ये जो आपको दिख रहा है पावर हाउस है, यहाँ पे पावर सप्लाई किया जाता है, बहुत ही बड़ा है। ये रहा विधानसभा, चलो आगे मैं दिखाता हूँ। रिसोर्ट चल रहा है गाइस, और कितना प्यारा सा दिख रहा है विधानसभा हमारे। न्यू हाई कोर्ट के पास रुक गया हूँ, और इतना ज़्यादा क्राउड यहाँ पे दिख रहा है, जो कि ऑलरेडी यहाँ की जो वर्क होती है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि और नारियल है, पहले नारियल खा लेता हूँ, उसके बाद आगे जो भी होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ये लोगों को गर्मी नहीं लगता इतना ब्लैक ब्लैक कोट, गर्मी हो ठंडा हो बरसात का मौसम हो, ये लोग हमेशा झारखंड कुछ नया आ रहा है। प्यारा सा जेसी स्टेडियम, पहुंच गया हूँ हमारे डैम, जो कि धुरवा डैम बोला जाता है इसे। यहाँ से आपको लेफ्ट की ओर लेना पड़ेगा, क्योंकि तो मैं टर्न कर रहा हूँ लेफ्ट। और ये देखो यहाँ पे रील्स चालू है, कमर मटकाया जा रहा है, देखो ये देखो कमर मटकाया जा रहा है गाइस। ये रहा डैम, क्या प्यारा व्यू आ रहा है गाइस। डैम की जो व्यू है ना गाइस, वो अधिकतर मेरे वीडियोस पे दिखेगी, क्योंकि मैं जस्ट डैम के बिसाइड पे ही रहता हूँ, तो ये मेरा लोकल एरिया पड़ता है। सो कभी कभी इवनिंग के टाइम पे या फिर कभी भी मैं आते जाता रहता हूँ, तो ये वीडियो, ये डैम का जो व्यू है ना, दिखते रहेगा, फिर फोटोज किया जा रहा है। थोड़ा सा एक सिनेमैटिक व्यू मैं इस दिखाता हूँ, उसे आप इंजॉय करना। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और मोटिवेट हो जाऊँ और एक अच्छा अच्छा कॉन्टेंट और अच्छी वीडियोज मैं अपलोड करते रहूँ। यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे जो है ना, बहुत क्राउड रहती है, ज़्यादातर आपको संडे के रोज़ ज़्यादा क्राउड यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो संडे पे आप आना और यहाँ का व्यू एंजॉय करना। यहाँ पे फिशिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल 20 दिन के अंदर एक 30 केजी की मछली मिला था, उसका नाम था मछला। भाई ये देखो जस्ट हमारे डैम के बिसाइड, क्योंकि बिहाइंड ये सीन, मस्त नज़ारा दिख रहा है गाइस, सो लवली।
ये रहा ब्रिज जो कि यहाँ से वाटर क्रॉस होता है। ये देखो भाई पानी पूरा ग्रीनिश लग रहा है। राइट हैंड साइड पे देखो पूरा फिशिंग किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती है गाइज, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती है। ये देखो फिशिंग किया जा रहा है। ये देखो प्यारा आ रहा है। सो गाइज इस वीडियो को अब यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ और आई गेस कि ये वीडियो आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव और फनी या फिर और भी तरह तरह के कंटेंट सुनने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल भी मत भूलना गाइज। सो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।